बीरू किस दुनिया में खोई है, तुम्हारे वास्ते हम लिए हैं एक गिलास, तब आप पी लीजिए सरकार जी। वो नहीं पी रही, पी लीजिए। कैसे केवी में जाओगी? केवी 6 घंटे का स्कूल है, कैसे पढ़ोगी? ताकत बनाओ शरीर में, गन्ने के जूस से ताकत बनती है बेटा, कोल्ड ड्रिंक से नहीं बनती है, समझी? पेप्सी कोला मिरिंडा ये सब नहीं पीना है, गन्ने का जूस पीना है। हाँ अब भाई जो इच्छा हो, फ्रूट्स खाना है, गन्ने का जूस पीना है, हेल्दी रहना है, स्ट्रांग बनना है, तभी तो स्कूल जाना है। एडमिशन भी हो गया आज वीरू, अब 2-3 दिन बाद स्कूल जाना शुरू, ड्रेस खरीदना है, बस थोड़ा हैप्पी हो जाओ। चिंता लग गई है वीरू को, उसके आँख में ही मच्छर काट दिया है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं जूस पीने गन्ने का, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, अभी हम लोग घर नहीं जाएंगे। पहले तो हमारे सरकार जी बोलने कि हम रात भर का ड्यूटी किए हैं, मीरा से चले हैं रात के 9 बजे के, और अभी बज रहे दोपहर के 3, अभी तक वो सोए नहीं है, तो इनको पहले गन्ने का जूस पियेंगे, सरकार जी मेरे जूस पियेंगे, हम लोग सब लोग पियेंगे चारों लोग, तब घर पहुँचेंगे। हाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोहित वीरू ब्लॉग। ये है एक थर्मस और ये है 2 थर्मस, ठीक है? तो 2 थर्मस है मोही के लिए और 2 टिफिन है, 1 टिफिन और 2 टिफिन। तो स्कूल ने केवी के प्रशासन ने ये कहा है कि आप 2 टिफिन लाइए और 2 थर्मस लाइए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, और 2 टिफिन रहेगा, 1 असेंबली में चलेगा फ्रूट्स, जिसमें आप वाटरमेलन ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को चक्कर आ रहा है स्कूल में, प्रेयर के टाइम पे चक्कर आ रहा है। तो मैडम बोली हैं, उनके प्रिंसिपल बोली हैं कि आप लोग आइए असेंबली के जस्ट पहले, टिफिन लेके असेंबली में एंटर करिए और असेंबली के जस्ट पहले पहले आप लोग फ्रूट्स खाइए, उसके बाद तब जो है तो प्रेयर करिए और तब क्लास में जाइए, ठीक है? तो इतना बढ़िया प्रशासन मैंने आज तक नहीं देखा है। हम लोग अपने स्कूल में भी गर्मी के दिनों में कभी ऐसा नहीं होता था, प्रेयर करो उसी में चक्कर खाते थे, 2-4 बच्चे गिरते थे, और डेली डेली डेली। तो अब जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और बच्चे जो है तो पहले फ्रूट्स खाते हैं, फिर प्रेयर करते हैं, फिर क्लास में जाते हैं। और मेरा मोह ये 2 बॉटल लेके जाता है पानी, 1 बॉटल खत्म हो जाता है, 1 बॉटल छुट्टी के टाइम पे काम आता है। एप्पल ये मोह असेंबली में खाएगा, और ये है आम, रोटी, गुजिया, डन है ना? चले चलो बैग में डालो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहर, संकट मोचन नाम तिहर, बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो, ले गृह वैद्य सुसेन समेत, तब गिरी द्रोण सुबीर उपारो, आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है। रुक जा, रुक भाई रुक जा, हिला ना बीरू पिट देंगे, बात नहीं मानती है छोरी। हाँ जी इधर आ मोही, आ गया। संकट मोचन नाम तिहारो, बाली की पीस बस गिरी, जात महाप्रभु पंत निहारो। कंगी कहाँ है पतला वाला, कौन ले गया इधर उधर? चौकी महामुनि साप दियो तब, जैकेट डालो मोही। अरे यार बिचर बिचर, कैसे जरू पली माया महाप्रभु, जो तुम दास के शोक निवारो, कौन ही जानते है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो।
रोटी खा लो, एक गुड़ रोटी। लो पहले पानी पियो, एक पानी पी बेटा, पानी पी। उसी पर रख दो ट्रैक पे। बीरू मोही हम तीनों लोग चल रहे हैं स्कूल। ये चेन लगा बेटा, हवा लगता है गाड़ी पे। सुबह हो चाहे शाम हो, पुणे एकदम ठंडा रहता है। बस दोपहर में जितनी धूप लगती गर्मी लगती है, बाकी सब ठंडा। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, बनाऊंगी बेसन का सब्जी। डैडी आने वाले हैं, मीरत से चले हैं और एक दो घंटे में आ जाएंगे। बज रहा है सुबह का 9:30। मोही को स्कूल छोड़ के बीरू को खाना वाना खिला के और बीरू को बैठा दी हूँ लिखने के लिए। वो अपना होमवर्क कर रही है। अब बस बेसन का चीला बना दे जल्दी जल्दी, सब्जी बना दे रहे हैं और चावल बना देंगे। सब्जी चावल और थोड़ा सा दूध बचा है, सेवई बनाएंगे। माता पिता की श्रेणी रोमन में वन लिखे, रोमन क्या करोगे तू? ये दोनों तो फ्रेंड्स मोए की छुट्टी हो गई और वीरू का एडमिशन भी हो गया। दोनों काम एक साथ स्कूल में गए मोही के, और 12 बजे पहुँचे दोपहर में एडमिशन करा के। फिर मोही को छुट्टी में लेके दोनों लोग, चारों लोग आगे वीरू और यहाँ भी है। अब जा रहे हैं हम लोग घर, बहुत तेज से भूख लगी है। चावल बना दिए हैं, बेसन जो तो बेसन का चीला बना के रखे हैं फ्रिज में, और निकालेंगे उसको गर्मा गर्म बेसन का सब्जी बनाएंगे। चावल है, ये है चावल सब्जी में लाएंगे। क्या चीज़ को मैं अभी छोड़ दूँ पियो? रुक के कहाँ पियो? पी लो, गर्दन सूख जाए, ऐसे कैसे सूख जाए? मोही भी येलो हाउस में है और पीरू भी येलो हाउस में, दोनों का एक ही हाउस में एडमिशन हुआ है। तुम दोनों एक ही हाउस में रहोगे, आ गया जूस गन्ने का पाइप। पूछो भैया से। और ये बीरू का जूस है, बीरू पी। ये बीरू बदमाशी करती है, इसीलिए दुबली पतली है ये। तो ये मेरा जूस, धूप में एनर्जी मिलती है। बीरू किस दुनिया में खोई है, तुम्हारे वास्ते हम लिए हैं एक गिलास, तब आप पी लीजिए सरकार जी। वो नहीं पी रही, पी लीजिए। कैसे केवी में जाएंगे? कैसे केवी में जाओगी? केवी 6 घंटे का स्कूल है, कैसे पढ़ोगी? ताकत बनाओ शरीर में, गन्ने के जूस से ताकत बनती है बेटा, कोल्ड ड्रिंक से नहीं बनती है, समझी?
पेप्सी कोला मिरिंडा ये सब नहीं पीना है, गन्ने का जूस पीना है। हाँ अब भाई जो इच्छा हो, फ्रूट्स खाना है, गन्ने का जूस पीना है, हेल्दी रहना है, स्ट्रांग बनना है, तभी तो स्कूल जाना है। एडमिशन भी हो गया आज मीरू, अब 2-3 दिन बाद स्कूल जाना शुरू, ड्रेस खरीदना है, बस थोड़ा हैप्पी हो जाओ। चिंता लग गई है वीरू को, उसके आँख में ही मच्छर काट दिया है। गन्ने का जूस जैसे मिलता है ना बस वैसे पिया करो, ना उसमें बर्फ़ मिलाओ ना उसमें नमक मिलाओ, तब वो हेल्दी बनता है।